हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन द डेंटो ट्रैवलर व्लॉग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर राहुल त्रिपाठी, बीडीएस एमडीएस इन प्रोस्टोडोंटिक्स एंड इम्प्लांटोलॉजी, और मैं लखनऊ शहर में कई सालों से प्रैक्टिस करता हूं। आज हम बात करेंगे सलाइवा के बारे में, रोल क्या है सलाइवा का हमारे माउथ में, मतलब की जो थूक बनती है आपके मुंह में उसका काम क्या होता है जानना है। तो इंतजार किस बात का है, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारे माउथ में बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है और सिक्रीट होता है सलाइवा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट, फ्री का है, इंतजार किस बात का है। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, पहले ही बता दे रहा हूं, पता लगा बाद में आप भूल जाएं। जितना ज्यादा आप चबाएंगे उतना ज्यादा आपके माउथ में सलाइवा जो है प्रोड्यूस होता है। सलाइवा जो कुछ ग्लैंड्स हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं जो कि सलाइवा वहां से प्रोड्यूस होता है या सिक्रीट होता है, तो उन ग्लैंड्स को बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। हमारे माउथ में तीन तरीके के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो ज्यादातर जो है सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। माइनर ग्लैंड्स भी होते हैं लेकिन उनकी बात नहीं करूंगा। तीन मेजर ग्लैंड्स होते हैं जो कि पैर में होते हैं। पहला होता है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा होता है सब मैंडिबुलर, और तीसरा होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबसे पहला पैरोटिड ग्लैंड, इट इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, सबसे बड़ा सलाइवरी ग्लैंड होता है जो कि सलाइवा को प्रोड्यूस करता है, और ये प्रेजेंट होता है इन फ्रंट ऑफ द ईयर, मतलब कि कान के पास ये प्रेजेंट होता है। पैरोटिड ग्लैंड से एक डक्ट निकलता है, एक ट्यूब जैसा होता है, उसे हम बोलते हैं सलाइवरी डक्ट, जिससे कि सलाइवा जो पैरोटिड ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है वो उसके थ्रू ट्रेवल करता है और हमारे माउथ में सलाइवा आता है, और ये डक्ट ओपन होता है अपर सेकेंड मोलर के पास में। दूसरा होता है सब मैंडिबुलर जो कि फ्लोर ऑफ माउथ में प्रेजेंट होता है, और तीसरा होता है सबलिंगुअल जो कि जबान के नीचे पाया जाता है। ज्यादातर ये देखा गया है कि लेट आफ्टरनून में सबसे ज्यादा सलाइवा जो है प्रोड्यूस होता है हमारे माउथ में, और रात में एट नाइट सोते समय सबसे कम होता है। पर डे 1500 ml हमारे माउथ में सलाइवा जो है प्रोड्यूस होता है। चलिए अब बात करते हैं कि सलाइवा का क्या इंपॉर्टेंस होता है। सलाइवा हमारे माउथ को मॉइस्ट रखता है, खाना खाने में, चबाने में, खाने का टेस्ट और खाना निगलने में मदद करता है। हमारे माउथ में बहुत सारे जर्म्स रहते हैं, सलाइवा जो है हमारे माउथ को उन जर्म्स से बचाता है। अगर आपके मुंह से बदबू आती है तो सलाइवा जो है काफी हद तक आपकी जो बैड ब्रेथ है उसको कंट्रोल करता है। सलाइवा में बहुत सारे मिनरल्स और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं हमारे टूथ इनामिल सरफेस को। अगर दांतों में बहुत ज़्यादा कीड़ा आके लगता है तो जो सलाइवा है वो काफ़ी हद तक जो है ना रोकता है किसको, कीड़े लगने से। सलाइवा का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो होता है ना उनको होता है जो डेंचर पहनते हैं, जो बत्तीसी पहनते हैं। दांत तो होते नहीं है सपोर्ट के लिए, तो बत्तीसी टिकती किस पर है, मसूड़े पे टिकती है। तो जो सक्शन क्रिएट होता है वो सलाइवा से होता है। सक्शन के कारण जो है टाइट हो जाता है डेंचर और वो गिरता नहीं है। सोच के देखिए, अगर सलाइवा नहीं होगा तो डेंचर तो गिरता रहेगा, डेंचर का काम खत्म हो जाएगा। फिर सलाइवा के बारे में एक और चीज़ आपको बताता हूँ बहुत अच्छा। आप खाना खाते हैं, आपने खाना खाया, आप चबाते हैं खाने को, जब आप खाने को चबाते हैं तो जो सलाइवा जो थूक प्रेजेंट होती है वो खाने में मिक्स हो जाता है, तो उसे बोलते हैं बोलस, बोलस BOLUS, बोलस। सलाइवा जो होता है लुब्रिकेशन एक फंक्शन होता है उसका, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, उससे क्या होता है आप खाने को आराम से निगल सकते हैं। तो आप जब खाने को चबा लिया, बोलस बन गया, वो आप निगलते हैं तो माउथ से ईसोफेगस पे जाता है, ईसोफेगस से स्टमक में चला जाता है। सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं अमाइलेज, जिसका दूसरा नाम है टाइलिन। ये क्या करता है, जो स्टार्च होता है उसको ब्रेक करता है, ब्रेक करता है सिंपल शुगर में जैसे कि माल्टोज या डेक्स्ट्रिन में, और ये फर्दर जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके और डिवाइड होता है। 30% ऑफ स्टार्च
डाइजेशन टेक प्लेस इन ओरल कैविटी, मतलब 30% जो स्टार्च होता है उसका डाइजेशन हमारी ओरल कैविटी में होता है। अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं सलाइवा की, सलाइवा में 99.5% पानी रहता है और उसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस रहते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट होता है, म्यूकस होता है, एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड होता है और वेरियस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, आयोडीन, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट। अगर म्यूकस की बात करते हैं तो म्यूकस जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है उसमें म्यूकोपॉलीसेक्राइड और ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है, तो जो सलाइवा स्टिमुलेट करता है दो तरीके के नर्वस सिस्टम को, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सलाइवा अगर स्टिमुलेट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से तो वो सलाइवा जो होता है ना काफी थिक होता है, और अगर पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से स्टिमुलेट होता है वो काफी फ्लूइड लाइक होता है। अगर आपके माउथ में सलाइवा बहुत कम बनता है तो क्या दिक्कत आ सकती है और क्या इसका इलाज है, चलिए जानते हैं। अगर आपके माउथ में सलाइवा बहुत कम बनता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं ड्राई माउथ या जीरोस्टोमिया। अगर ड्राई माउथ की प्रॉब्लम है आपको, अगर सलाइवा बहुत कम बनता है आपके मुंह में तो क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला, आपके मुंह से बदबू बहुत ज्यादा आने लग जाती है। दूसरा, आपके दांतों पे बहुत ज्यादा कीड़े लग जाते हैं, टूथ डिके हो जाता है, टूथ कैविटी बन जाती है। तीसरा, आपके मसूड़े जो है काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं, काफी ज्यादा इंफेक्शन हो जाता है, गम डिजीज हो जाती है। चौथा, जब भी आप खाना खाते हैं तो खाने का स्वाद नहीं मिल पाता है। और आखिरी में, डाइजेशन जो है काफी ज्यादा बेकार हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी जो होती है बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, आपको बहुत ज्यादा कमजोरी फील होने लगती है। एक और बात, मुंह में छाले बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, तालों पे हो जाते हैं, गलफे पे हो जाता है, जबान पे हो जाता है, अक्सर बना रहता है छाले। जानते हैं ड्राई माउथ जो कंडीशन है वो क्यों हो जाती है, क्या कारण होता है? कुछ बीमारी होती है और कुछ मेडिसिन से हो जाती है। HIV और एड्स के पेशेंट में ये प्रॉब्लम अक्सर देखी गई है। सलाइवरी डक्ट जो कि सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है और जिसमें सलाइवा जो है ट्रेवल करता है और वो जो जाके माउथ में ओपन होता है, जो वो डक्ट होता है उसमें कभी कभी ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से सलाइवा जो हमारे माउथ में नहीं आ पाता। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की वजह से भी ड्राई माउथ की प्रॉब्लम हो जाती है। डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस की वजह से भी आपके माउथ में सलाइवा का जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो उसकी वजह से भी हो जाता है। मेडिसिन होती है जिसको लेने पे ये प्रॉब्लम अक्सर आ जाती है। पहला होता है एंटीहिस्टामिन, दूसरा होता है एंजाइटी मेडिसिन, तीसरा होता है हाई ब्लड प्रेशर की जो ड्रग्स होती हैं उनकी वजह से भी हो जाता है। जो डिप्रेशन में जो ड्रग्स लेते हैं उसकी वजह से भी हो जाता है। एनाल्जेसिक कुछ पेन किलर्स होते हैं जिसकी वजह से ये दिक्कत आ जाती है। बात करते हैं ट्रीटमेंट की। अगर आप चाय कॉफी बहुत ज्यादा इंटेक करते हैं दिन भर में, मतलब कि कैफीन का इंटेक बहुत ज्यादा होता है, तो आपके मुंह में अक्सर ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो कैफीन को दूर करिए, अपनी बीमारी को दूर करिए। शुगर फ्री चिंगम्स आते हैं वो खाना स्टार्ट करिए। अल्कोहल फ्री माउथ वॉश यूज करिए। वो माउथ वॉश मत करिएगा जिसमें अल्कोहल होता है। अल्कोहल फ्री माउथ वॉश यूज करना है। तंबाकू खाते हैं या स्मोक करते हैं दोनों को ही रोकना पड़ेगा। दिन भर में थोड़ा थोड़ा पानी जो है पीते रहिए। अगर ड्राई माउथ की प्रॉब्लम है, लेते हैं, ब्रीथ करते हैं तो नाक से करिए, मुंह से मत करिए। अगर आपको बहुत ज्यादा ड्राई माउथ की प्रॉब्लम हो रही है, जो मैंने मेडिसिन आपको बताई है, अगर उसमें से आप कुछ ले रहे हैं तो बंद कर दीजिए डॉक्टर की सलाह ले करके। फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। फ्लोराइड माउथ वॉश भी आते हैं, वो भी कर सकते हैं। अगर ये सब करने पे भी आपकी तकलीफ दूर नहीं होती है, मार्केट में आर्टिफिशियल सलाइवा आता है उससे कुल्ला करिए,
लेकिन उस सलाइवा में जो प्रोटीन विटामिन जो प्रेजेंट होते हैं हमारे जो ओरिजिनल सलाइवा में वो सब नहीं प्रेजेंट हो गए और वो आपके खाने के जो डाइजेशन जो प्रोसेस होता है उसमें भी मदद नहीं करेगा। बस ये क्या करेगा, आपके मुंह को मॉइस्ट रखेगा। अगर आपके माउथ से सलाइवा बहुत ज़्यादा निकल रहा है तो क्या कर सकते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। जनरली देखा जाए तो ये कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपना डाइट जो है ना खाने का वो थोड़ा ठीक कर लेंगे तो सलाइवा पे कंट्रोल जो है जो ज़्यादा निकल रहा है थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। अगर सलाइवा बहुत ज़्यादा आपके माउथ में बनता है तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है जिसे कहते हैं ड्रूलिंग। ड्रूलिंग क्या चीज़ है, सलाइवा आपके माउथ से बाहर निकलता है ना उसे कहते हैं ड्रूलिंग। ये क्यों हो जाता है, जो आपके फेस की और जो आपके माउथ की जो मसल्स होती हैं वो काम जो है सही से नहीं कर पाती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। कुछ बीमारियों की वजह से और कुछ हेल्थ की कंडीशन अगर आपकी अच्छी नहीं होती है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है आपको बन जाती है। माइलोट्रॉफिक लैटरल सिरोसिस ये एक बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। इस डिजीज में ये प्रॉब्लम अक्सर रहती है सलाइवा ज्यादा बनने की। बेल पैल्सी सेरेब्रल पैल्सी में भी ये दिक्कत देखी गई है। गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज में भी ये दिक्कत देखी गई है। अगर आपकी जबान बहुत बड़ी है तो उसमें भी ये दिक्कत आती है। अगर सलाइवा बहुत ज्यादा निकल रहा है तो क्या कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। अगर ये दिक्कत बहुत ज़्यादा है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कुछ मेडिसिन लिख देगा, वो खा लेंगे, उससे कंट्रोल हो सकता है। अगर ड्रूलिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, मतलब कि एक बार सलाइवा जो आपके मुंह से भी बाहर निकल आता है, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो बोटॉक्स इंजेक्शन जो है सलाइवरी ग्लैंड्स में लगाया जाता है। अगर बहुत सीरियस केस है, बहुत सीवियर केस है तो फिर सलाइवरी ग्लैंड ही हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो लाइक बिना किए मत जाइएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री का है, लाल बटन दिख रहा होगा दबा दीजिए पकड़ के। इसी तरह सपोर्ट और प्यार करते रहिए, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज बनाता रहूंगा। तब तक मिलूंगा आपसे एक नदर वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।